चक्रवात मिचौंग जो कि पश्चिम मध्य और दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी ऑफ दक्षिणी आंध्र कोस्ट और उत्तरी तमिलनाडु कोस्ट के पास में आज सुबह में सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में परिवर्तित हुआ है और वो आने वाले समय में उत्तर की ओर बढ़ता हुआ समांतर जो कोस्ट है तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र कोस्ट उसके समांतर होता हुआ कल अपराह्न में फोरनून में वो टकराएगा मछलीपट्टनम और नेल्लोर के बीच में बापताला जगह के आसपास में उसका जो लैंडफॉल है होने की संभावना जताई जा रही है कल अपराह्न में एज ए सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जिसका स्पीड 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे का होगा गस्टिंग टू 110 किलोमीटर पर आवर उसी स्पीड से वो टकराएगा। तो झारखंड में इसके वजह से जो हवा है उसमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है और अभी में 4 तारीख में जो हवा है वो आपकी पूर्वी भाग से आ रही है तो पूर्वी भाग से हवा आ रही है जिसके कारण से नमी वाली हवा के कारण से बादल भी बन रहे हैं तो 4 तारीख में पूरे झारखंड में बादल छाए रहेंगे। 5 तारीख में जो दक्षिणी भाग है उसके साथ साथ में जो सटे हुए मध्य भाग है झारखंड के वहां पे कुछ जगह पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है और 6 और 7 में झारखंड पूरे राज्य में आपको कुछ कुछ जगह पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है।